رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। तीसरी नसीहत नौजवानों को करूँगा वो ये है, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो। वो रिश्ता नहीं कि कुरान क्या है, तो इतने अल्फाज तुम अदा करो, इतनी बातें करो, इतनी स्पीचेस दो कि लोग थक जाए सुन सुन कि कुरान क्या है। और अगर अगला ही सवाल करें कुरान क्या है, जिसकी तारीफ तो इतनी होगी जिसकी कोई इंतहा नहीं, कि सफ़ा सफ़ा पेजेस के पेजेस भर दिए गए, जब पूछा जाए कुरान में क्या है तो सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क, मैं वो नहीं बताऊँ कुरान क्या ये बताए। मैं अपना वाक्य सुनाता हूँ आप लोगों के बारे में, अच्छा गुमान रखता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह इससे कई गुना अच्छे होंगे। मैं कॉलेज लाइफ में था और एक बार हम नौजवान बैठे थे, एक शख्स आया और उसने सवाल किया, क्या कोई नूर अलैहिस्सलाम है? नूर नूह ने नूर। बहुत सारे नौजवान बैठे थे, मैं भी था उनके अंदर कॉलेज में, सब ने तय किया कि भाई नूर तो एक है कोई अलैहिस्सलाम, लेकिन नूर का इनकार नहीं कर सकते, मालूम नहीं हमको, मतलब नहीं मालूम। आपको बताएं कितने अंबियों के नाम कुरान में मालूम आपको? 25 अंबियों के नाम है सिर्फ, और मुझे वो नाम याद नहीं थे। मैं खासिर था कि बोल सकूं कि नूर कोई नहीं है इसमें, इन 25 का लिस्ट, और मैं वो नौजवान हूँ जिसको 1992 के वर्ल्ड कप की टीम के पूरे खेलने वाले और एक्स्ट्रा प्लेयर्स के नाम याद हैं, 96 के पूरे प्लेयर्स और एक्स्ट्रा प्लेयर्स के नाम याद हैं, लेकिन वो नौजवान को सिर्फ 25 अंबियाओं के नाम याद हैं। फिर फुटबॉल टीम, फिर ये टीम वो टीम, मुझे सब याद है, अपने वक्त के और उससे पहले के हीरो हीरोइंस के नाम मुझे याद थे, ये मुझे 25 अंबियाओं के नाम नहीं पता है। ना ताजुब की बात, अमेजिंग। कैसे होंगे अगर जब मौत आ जाती है तो क्या जवाब देते हैं कि अल्लाह तेरी किताब पर ईमान का दावा किया लेकिन उसको मानने वाले हकीकत में नहीं बन पाए, क्या है इसमें जानने की कोशिश नहीं की। जो लोग पढ़ रहे हैं चलो एक कदम तो आगे बढ़े हो, लेकिन कुछ लोग तो पढ़ भी नहीं रहे हैं, ना अंदर क्या है पता है, ना उसको पढ़ रहे हैं, क्या होगा सोचो। जब याद रखो जो लोग कुरान के अहल थे, कुरान को मानने वाले थे, कुरान को हकीकत उन्होंने थाम लिया था, याद रखो अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत दी थी, इतनी इज्जत दी थी जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसकी कोई इंतहा नहीं। छोटा सा वाक़ा सुनाता हूँ, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु बूढ़े हो गए 80 साल के करीब, ऐलान हुआ जंग का, कुस्तुनतुनिया से जंग है, हदीसें सुन रखी थी कि इसमें जाने वाला जो लश्कर हमला करेगा वो जन्नती होगा मकबूर होगा, कहा मैं भी चलूँगा। लोगों ने कहा 80 साल हो चुकी उम्र, थोड़ा उससे क्या होता है, चलना है। चले गए जंग में, मुहासरा हुआ, घिराव हुआ, अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना है, यज़ीद बिन माविया इस फौज को लीड कर रहे हैं, घिराव हुआ और लंबे अरसे तक चला और इनका इंतकाल हो गया, वहाँ जंग नहीं हुई लेकिन इंतकाल हो गया, तो किले के बाहर तदफीन कर दी गई, क्योंकि अब क्या करेंगे और लोग चले गए। तो वहाँ का जो बजंतीनी जो गवर्नर था हुक्मरान था, उसने ख़त लिखा अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को और कहा कि अब तुम लोग तो चले गए, अब मैं नऊज़ बिल्ला तुम्हारे साहिब रसूल मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे उनके जिस्म को बाहर निकालूंगा और उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ करूँगा, नऊज़ बिल्ला जलील करने की कोशिश करूँगा, रुसवा करूँगा तुमको। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ने कहा कि इसको रिस्पॉन्स जवाब दो, जवाब दो, और जवाब में लिखा अगर तूने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी के साथ ये सलूक किया तो याद रखना जितने गिरजा मेरी हुकूमत में हैं और जितने खबरें ईसाइयों की है सारे गिरजा गिरा दूँगा और पूरी खबरें उखाड़ दूँगा ऐसा। तो उसने फ़ौरन जवाबी में ख़त लिखा और उसके अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं, खसम है कुंवारी मरियम की, मैं तो खाली तुम्हारे दीनी हमियत को जांच रहा था, एक होता है ना दीनी हमियत, बस वो जांच रहा था, मैं क्यों करूँगा तुम्हारे साथी के साथ रसूल के, वो वहीं रहेंगे। तो जो कुरान के अहल लोग थे ना, उसको मानने वाले लोग थे, यादव को मुसलमानों सिर्फ ज़िंदगी में उनकी इज्जत नहीं थी, उनके वफात के बाद भी उनके जिस्म को हाथ लगाने की किसी की औकात नहीं थी। यादव ये होता है जब कुरान को मानने वाले लोग होते हैं, ज़िंदगी तो ज़िंदगी इज्जत से जीते हों,
मरने के बाद भी किसी की औकात नहीं कि उनके जिस्म को हाथ लगाए। ये होता है हामिले ने कुरान की इज्जत इस दुनिया में और आखिरत में। जाहिर सी बात है आखिरत में तो बहुत इज्जत याद है, कुरान के अमल करने वाले, उसको पढ़ने वाले, सिर्फ उसकी उसको हिफ्स करके जो इंसान दुनिया से जाएगा रोज़ क़यामत अल्लाह ताला कहेगा पढ़ता जा और दर्जा लेता जा, जहाँ तू आखिरी रुकेगा वो तेरा आखिरी दर्जा जन्नत का। वो पढ़ता जाएगा, जहाँ वो रुकेगा वो उसका दर्जा है। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। रिवायत में आता है कि जो कुरान को पढ़ता है, याद करता है, हिफ्ज़ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके वालिदैन को रोज़े क़यामत एक ख़ास ताज सर पर पहनाएगा। कितनी बड़ी बात है, कुरान ये किताब वो किताब है, याद रखी, जिसने उस कौम को ऐसा तब्दील किया जिस कौम पर न खैसर हुकूमत करना चाहता, न खुसरो, न बेजेंटाइन, न रोमन एम्पायर और ना ही पर्शियन एम्पायर उनकी हुकूमत का, इतने जाहिल लोग हैं। लेकिन जब उन्होंने कुरान को थाम लिया तो वो इंसानियत के लिए टॉर्च बैरल बन गए, वो मीनार निगेबानी बन गए, वो मीनार बन गए जिसको देखकर होता ना साहिल के ऊपर जो है कश्तियाँ आकर ना टकराए तो एक मीनार निगेबानी बोलते हैं उसको, वो बन गए इंसानियत को रास्ता दिखाने वाले बन गए। वो बद्दू जो ऊँट और बकरियाँ चराया करते थे वो लोग बन गए जो इंसानियत को रास्ता बताते हैं, दीन और दुनिया दोनों सिखाते हैं। ये किताब में वो ताकत है, इंसानी समाज को बदलने की ताकत है। ये वो किताब है जो इंसानों का रिश्ता अपने रब से जोड़ देती है। ये वो किताब है जो ऐसे सच्चे वाक़ियात सुनाती है जो वाक़ियात ना इससे पहले किसी ने इतने सच्चे सुनाए ना इसके बाद कोई सुना सकता है। ये वो किताब है जो ईमान लाए उनके साथ क्या हुआ उन वाक़ियात को बताती है। ये वो किताब है जो ईमान को छोड़ते हैं और छोड़ेंगे उनका आखिरत में नतीजा और दुनिया में क्या हुआ वो बताती है। ये ईमान ये किताब वो है जो वाक़ियात सुनाकर हमको बदलना चाहती है, याद रखें। और ये किताब है, याद रखें। लेकिन सवाल ये है कि किताब तो बहुत बड़ी है, किताब में क्या है हासिल है बताने से? सीखो इस किताब, ऐसा रिश्ता जोड़ो इस किताब से नौजवानों, हर रोज़ चंद आयतें पढ़ने का मामूल बना लो। अभी नए जो कुरान आते हैं ना, जो नए कुरान आते हैं प्रिंटेड कॉपीज, 600 पेजेस में कुरान आता है। ये बहुत उन्होंने अच्छे अंदाज से बनाया, 600 पेजेस है, 600 टू साइडेड पेजेस है, मतलब अगर ऐसे सिंगल पकड़े तो 300 पेजेस हैं। आप हर रोज़ ये और ये पेज पढ़ेंगे, अगला पिछला दो पेज, तो 300 दिन में कुरान ख़त्म हो जाता है। उसी हिसाब से बनाएगा पूरा, देख लीजिए आप, हर पारे को 20 सफ़ात में ख़त्म कर दिया गया है, आगे पीछे मिला तो 40 सफ़ात में, देख लीजिए। बहुत अच्छा इजी बनाया उन्होंने, एकदम समझने पढ़ने और उसके लिए 600 पेजेस का बना दिया गया है। रोज़ 2 पेजेस आपको पढ़ना है और सिर्फ समझना है। तो एवरी ईयर तो बहुत दूर है, 300 डेज में, मतलब एक साल को 2 महीने कम में आप ये कुरान को ख़त्म कर, एक मतलब बिल्कुल पैमाने के हिसाब से आसान बोल रहा हूँ। अब जिसको अल्लाह ने शौक़ दिया है 4 पेज पढ़े और शौक दिया, 6 पेज पढ़े और शौक दिया, जितना वक्त लगाए ये सही जगह वक्त लग रहा है, बाकी सब जगह वक्त खपाया जा रहा है, यहाँ वक्त लगाया जा रहा है। एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट है, इसके रिटर्न्स है, जबरदस्त रिटर्न्स। शुरू कर दो, वो अरबी में है, 2-2 पेज अरबी का पढ़ लो और तर्जुमा भी पढ़ लो उसके साथ, समझे? तो ये बड़ी अहम चीज़ है, कुरान से रिश्ता जोड़ लो जैसा उसका आखिर।